खुश आमदीद नाजरीन। जलपली म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 3 के इलाके रॉयल कॉलोनी, ड्रीम सिटी और दीगर इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। इसी के चलते एक शिकायत पर कांग्रेस पार्टी लीडर्स ने जलपली म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 3 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर कांग्रेस के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब चल्ला नरसिम्हा रेड्डी, कांग्रेस लीडर मतीन शरीफ, कांग्रेस के जलपली म्यूनसिपालिटी चेयरमैन जनाब अहमद बाम और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर सभी लीडर्स ने आवाम से मुलाकात भी की। देखते हैं कुछ झलकियाँ। कोई चीज का ये नहीं आता हमारे पास, राशन कार्ड का नहीं आता, काउंसलर फोन है सलीम के, सरकारी भी नहीं आ रहे, अब्दुल्ला है कहते ना वो कॉपरेटर को, कोई भी नहीं आ रहा, कोई काम ही नहीं कर रहे अपने, काम करने वाले हो ना। कितने महीने से पानी यहाँ पे, ये दो तीन बारिश जब से चालू जब से पानी पानी है, छह महीने से पांच महीने से ऐसी चल रही है, ये डेढ़ दो साल से ये सिचुएशन है, पूरा दो साल से कंटिन्यू बालापुर तालाब से आ रहा है, उस्मान नगर तालाब से पूरे तालाबा का इसमें छोड़ दिए, हम लोग कहाँ जाना, उधर से पानी इधर छोड़ दिया, हम लोग कहाँ जाना सर, ये पापा मुंदी सर, माँ कहते हैं सर अन्याय मुंदी। बहुत टाइम से आने को जाने को रास्ता नहीं है, बहुत मुश्किल चल रहा, अगर बच्चे जाने कह रहे हैं तो अब बुढ़े जाने के, उधर इधर आने के पानी, बहुत पानी आ रहे, ड्रेनेज नहीं है, पीने के पानी नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक का स्तंभ नहीं है, अगर ये डेवलपमेंट राष्ट्र प्रभुत्व से एक पैसा भी नहीं है, अगर जलपली म्यूनसिपालिटी से उन्होंने टैक्सी बनाए तो वो डेवलपमेंट कर रहे, अगर ये डेवलपमेंट भी ये एरिया पे तीन साल चार साल से वैसी है, अगर हम कांग्रेस वाले फर्स्ट सितंबर फर्स्ट सितंबर जलपली म्यूनसिपल के रॉयल कॉलोनी के वास्ते ग्रीन कॉलोनी के वास्ते धरना कर रहे, अगर वो एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट होना, टैक्सी तो बराबर ले रहे, इलेक्ट्रिक का चार्ज ले रहे, कहीं डेवलपमेंट नहीं कर रहे, अगर वो डेवलपमेंट होना बोल के पूरा कॉलोनी वाले से जलपली म्यूनसिपालिटी के वास्ते धरना कर रहे कांग्रेस के वास्ते। एसोसिएशन नहीं रहता जिसकी वजह से, और कुछ लोगों को मालूम नहीं होते उस वजह से ऐसे कॉलोनियों में प्रॉब्लम्स आते, तो यहाँ पे भी मैं इससे पहले भी यहाँ की कॉलोनी के लोगों से मिला था, अहमद बाम में हम लोग मिले और उन लोग को बताया कि यहाँ का एक एसोसिएशन बनाइए, रजिस्टर्ड करवाइए, उसके थ्रू अपन हम म्यूनसिपल में हर जगह एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि जो आदमी टैक्स पे करता, अगर उसके जो टैक्स पे कर रहा उसके सराउंडिंग में 3 किलोमीटर के अंदर उसके उसको एक हॉस्पिटल होना चाहिए, एजुकेशन के लिए स्कूल होना चाहिए, और उसके घर के आसपास में पूरा रोड लाइट नल हर चीज़ की सहूलत होना ये कॉन्स्टिट्यूशन में है जो टैक्स पे करते हैं, पर यहाँ के लोगों के पास या इनके पास लाइट का प्रॉब्लम है, नल का प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम, हर चीज़ का प्रॉब्लम है, सिर्फ एक चीज़ पाबंदी से हो रही गवर्नमेंट की तरफ से, वो साल को साल टैक्स ऑफिसर्स आके जुल्म करके टैक्स लेके जा रहे हैं, कोई लाइट का ऑफिसर आके लाइट नहीं दे रहा, वाटर डिपार्टमेंट से आके पानी नहीं दे रही, सिर्फ टैक्स वाले दे रहे हैं। तो अभी हम चिल्ला नरसिम्हा सोसाइटी साहब, अहमद बाम साहब, शकील रयानी साहब, मोहम्मद बावती साहब, काफी लोग यहाँ पर हैं, हम सारे मिलके इंशाल्लाह 1 सितंबर के दिन म्यूनसिपल ऑफिस पे धरना देंगे। अगर ये धरने में कुछ सोल्यूशन निकला, गवर्नमेंट की आंख खुली तो ठीक है, वरना इनको नींद से जगाने के लिए हम हाईकोर्ट जाएंगे, जो टैक्स पे होल्डर्स है उनके रिसीप्ट लेके हाईकोर्ट में केस डाल के ऑफिसरों को सस्पेंड कराने के लिए इंशाल्लाह हम बराबर कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज यहाँ पर जो सबसे पहले CPNR, उसके बाद में बिनतरीफ कॉलोनी, उसके बाद में ग्रीन सिटी, फिर उसके बाद में रॉयल कॉलोनी, फिर नबील कॉलोनी, यहाँ का पूरा दौरा हमारे चिल्ला नरसिम्हा रेड्डी DCC प्रेसिडेंट साहब, हमारे मतीन शरीफ साहब, मैं और हमारे शेख मोहम्मद बावजीर साहब और हमारे शकील दयानी साहब, हम लोग पूरा एरिया रॉयल कॉलोनी का ये पूरा एरिया हम आज पैदल दौरा करें, हमारे चिल्ला नरसिम्हा रेड्डी साहब को भी हम यहाँ पे पूरा बताएं, यहाँ पे यहाँ की हालत कम से कम घुटनों के उतना पानी, और जो है तो घरों में लेडीज़ जेंट्स जा रहे तो गिर जा रही, फिर उसके बाद में कई लोग यहाँ पे आके यहाँ मौजूदा कॉरपोरेटर को शिकायत ना करने गए तो उन्होंने ना किसी का फ़ोन रिसीव करने गए थे और ना किसी को कोई रिस्पांस दे रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस पार्टी पूरे एक जगह जुट हुए, आज जुट हो के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का पूरा दौरा करे, वो दौरे के अंदर इस कदर गंदगी महसूस हुई, अब ये रोड के सामने भी देखो क्या हालत की गंदगी है यहाँ पर,
अब छोटे बच्चे कैसा रहेंगे, छोटे बच्चे कैसा जिएंगे यहाँ पे बताओ। अगर हम बोले तो फिर हमारे को फिर ऊपर से प्रेशर आ ये वो करके हमारे को डराने की भी कोशिश कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह डरने वाले नहीं है हम। एक तारीख के दिन हमारे चिल्ला नरसिम्हा रेड्डी साहब को हम अगर से ये लेटर लिख के देने का वादा करें, अगर नहीं हुआ तो उस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के अंदर धरना देने का वादा करें हम। House draws attention to an ancient delight, Dham Ka Root, which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within, making it a traditional antioxidant and strong immunity booster for everyone. After successfully being popular for our other delicacies, Pista House proudly presents the Muharram Special, Dham Ka Root. Pista House welcomes you all. Stay healthy, stay safe.